तो अब हम आ गए हैं जयपुर, जयपुर के जंतर मंतर पे, और यहाँ पर टिकट वाली लाइन की भीड़ लगी हुई है। तो इससे बढ़िया कि लाइन में खड़े हों, हम ऑनलाइन टिकट ले रहे हैं। कौन सी वेबसाइट है ऑनलाइन पे जाने के लिए? ये है museum.com पे जाओगे आप, या गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की वेबसाइट पे जाओगे आप, तो यहाँ पे ये दिख जाएगा आपको ये पूरा। तो ऐसे अगर जिस भी आप हेरिटेज में जाना चाहते हो तो उसमें उसकी टिकट सेलेक्ट करके यहाँ पे जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स हैं वो सेलेक्ट करके आप जा सकते हैं। अब ले लिया हमने अंदर एंट्री, ये बिल्कुल एंट्रेंस है, और यहाँ आने का हमारा मेन पर्पस यही है कि 2010 के बाद से यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड कर दिया था। पहला जो इंस्ट्रूमेंट है वो तो यहीं पर रखा हुआ है, और यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि यंत्रों पर चढ़ना मना है, तो इसका नाम देखते हैं। इसमें ओवरऑल 19 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो और सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट था, जब जयपुर सिटी हुई भी नहीं थी ना, तब इसको जयसिंह जो सेकंड थे यहाँ के जो राजपूत राजा थे उनके द्वारा रखा गया था फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट को 1728 में, और उसको तभी बनाना स्टार्ट भी किया गया था। ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट है वो सूरज का जो आल्टीट्यूड होता है सन का, उसको पता करने के लिए बनाया गया है, और इसको 1876 में बनाया गया था। अब इसको यूज़ कैसे करते हैं वो तो हमें पता नहीं है ज़्यादा। तो जो राजा जयसिंह थे उन्होंने काफ़ी इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे रखे, ऑलमोस्ट 19। उसके बाद मतलब उनका इतना नाम हुआ कि जब जवाहरलाल नेहरू ने अपनी एक बुक लिखी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें भी उसका जिक्र है, और एक फॉरन राइटर हैं उन्होंने भी इसका जिक्र किया हुआ है इन इंस्ट्रूमेंट्स का भी, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट उस टाइम पे टेक्नोलॉजी से बहुत आगे थे जो कि एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दिया करते थे। यहाँ पर एंटरटेनमेंट के लिए कठपुतली वाला डांस भी है और म्यूजिक भी प्ले हो रहा है, तो वहाँ बैठ के आप म्यूजिक भी एंजॉय कर सकते हैं। अब एक एक करके इन सारे यंत्रों को चेक करते हैं कौन सा कहाँ पर है। ये वाला यंत्र कुंभ राशि वालों के लिए है, ये जॉडियक साइन पे भी यंत्र बना रहे हैं, पर वो चित्र लगा हुआ है। तो सारी राशियों के लिए एक यंत्र बना हुआ है यहाँ पे। यहाँ पर मिथुन राशि है, हमारी राशि कौन सी? मेरी तो है भाई कन्या राशि। सही है। कन्या राशि का यंत्र देखते हैं, हम दोनों की राशि देखते हैं कन्या राशि है हमारी। अच्छा, ये कैंसर कर्क राशि का है, और ये मिल गया भाई हमारा, ये कन्या राशि का मिल गया हमें। यहाँ मैथमेटिक्स कैलकुलेशन लिखी हुई है, तो शायद सन के अकॉर्डिंग जो भी होने वाला फ्यूचर है उसे प्रेडिक्ट किया जाता होगा। यहाँ पर नंबरिंग लिखी हुई है। ये वाला जो यंत्र है इसके बारे में पता चला है, देशांतरीय रेखाओं को मापने का यंत्र है। इसमें जो 12 सिंबल्स हैं वो 12 राशियों को रिप्रेजेंट करते हैं, और हर राशि को सूरज की दिशा के अनुसार नापा जाता है। और बेसिकली जितने भी यंत्र हैं ना इसमें, अगर उसके बारे में आपको जानना है तो एक फॉरेन राइटर है बैरी पर्लिस करके, उसने जितने भी यंत्र हैं इसमें उस सबके बारे में एक डीप स्टडी करके पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन अपनी बुक में डाला है, और वो भी मतलब हैरान था जो भी एस्ट्रोनॉमिकल इमेजिनेशन थी जयसिंह की उस एस्ट्रोनॉमिकल इमेजिनेशन से, कि एक्चुअल में कौन सी इमेजिनेशन है जिससे ये यंत्र बना के यहाँ पे रखे गए हैं। तो ये जो साइंस लवर है उनके लिए भी बहुत अच्छा प्लेस होगा, हिस्टोरिकल प्लेस भी है, उसके साथ साइंस लवर के लिए भी बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस होगा ये। और अगर कोई साइंस लवर हमारी वीडियो देख रहा है तो बैरी पर्लिस का नाम याद रख लो, जाके एक बार उसकी बुक में से कोई भी पैराग्राफ, फ्री में बुक मिल जाएगी उसकी, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा। तो ये जो यंत्र हैं आप सामने देख रहे होंगे, ये है चक्र यंत्र, जो इनका काम है वो जो सेलेस्टियल बॉडी होती है, ग्रह होते हैं, उनकी दिशा कितनी है, दूरी कितनी है, उसको मापने का काम करते हैं। और इसके साथ साथ जो अलग प्लैनेट्स हैं उनका झुकाव, किस दिशा में झुक रहे हैं और कितनी दूरी पर, कितने एंगल पर झुक रहे हैं, उन सबको नापने का काम करता है वाला यंत्र। अब चलते हैं और आगे की तरफ, और भी ज़्यादा अभी इसके अंदर यंत्र हैं और भी हैं, अब एक एक करके हम सबको देखते हैं। जो
मेरे पीछे आप यहाँ पर देख रखे हैं, इसका नाम है ध्रुव दृष्टि का पट्टिका, और जो जो यूज करना है बहुत ईजी है। अगर यहाँ से खड़े होंगे आसमान से देखेंगे रात में तो ध्रुव तारा दिखेगा, जिसे पोल स्टार भी बोलते हैं, तो सबसे ईजी यूज कर सकते हैं, क्योंकि शाम में हमेशा ध्रुव तारा होगा या पोल स्टार भी कहते हैं जैसे। और इसी यंत्र का एक दूसरा पार्ट है, इस वाले पे यंत्र है उसके सूरज की परछाई के अकॉर्डिंग आप टाइम बता सकते हैं, और वो लोकल टाइम यहाँ का होगा जयपुर का। बट अगर तुम इसमें 30 मिनट्स ऐड करोगे ना तो इंडिया का जो इंडिया का वो टाइम है ऑफिशियल टाइम वो शो कर जाएगा तुम्हें। ये जो हमारे पीछे है ये जयप्रकाशम यंत्रम है, इसका जो यूज है वो स्टार्स जो होते हैं उनकी पोजीशन को मार्क करने के लिए किया जाता है। ये आधा अंदर धसा हुआ है तो आसमान में स्टार्स की कैलकुलेशन करके स्टार्स किस टाइम पे किस पोजीशन पे होंगे उसे मार्क कर दिया जाता था। और इसमें दो पार्ट हैं, पार्ट ए उधर है और पार्ट बी, ए टू बी, तो ये दोनों ना आपस में एक दूसरे के परस्पर काम करते थे। अब चलते हैं आगे की तरफ। पीछे देख रहे हैं आप वो है रामा यंत्र, और उसका जो यूज होता है जो स्पेस में जितने भी सेलेस्टियल बॉडी होते हैं, खगोलीय पिंड होते हैं जितने भी, उनकी कितनी दूरी है पृथ्वी से और क्या दिशा है उनकी, उसको नापने के लिए बनाया गया था। उसको सबसे सबसे जो इम्पोर्टेंट यंत्र है ना वो ये वाला यंत्र, कचरा यंत्र, इसमें कचरा डालने से तो सही रहता है, प्लैनेट साफ रहेगा हमारा, तो सबसे ज्यादा यूज कचरा यंत्र का करना चाहिए। ये छोटे छोटे यंत्र हैं ये वाले, इनके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी लिखी नहीं हुई, बट अगर बनाए हुए हैं तो ऑब्वियसली किसी यूज़ के लिए बनाए हुए हैं और शायद यूज़ भी होंगे, कुछ पता नहीं है। तो इस जंतर मंत्र का सबसे बड़ा यंत्र जो है वो ये है, जो कि एक विशाल घड़ी है, और जहाँ तक हमें पता लगा है ये जो काम करती है उसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है क्योंकि हमने खगोल शास्त्र उतना पढ़ा नहीं है, बट हाँ आपको दिखा सकते हैं यहाँ से। और इसका जो एक्चुअल नेम है वो बृहत सम्राट यंत्र है उसका नाम, और जो त्रिकोणीय दीवार है इसकी परछाई से कुछ रिलेटेड है उससे टाइम पता चलता है। मतलब अगर परछाई आप देख पा रहे, आपको मैं दिखाता हूँ, वहाँ पे ना छोटे छोटे छोटी छोटी लाइनिंग्स बनी हुई हैं, ठीक है, अगर वहाँ पे परछाई पड़ेगी तो उस हिसाब से इसका टाइम काउंट होता है, बट हम एक्सपर्ट नहीं है। इतना एक्यूरेट है, 2 सेकंड के अंतर में टाइम बता सकता है, मतलब 2 सेकंड का डिफरेंस होगा मोस्टली, ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है क्योंकि एग्जैक्ट टाइम बता सकता है। तो इस वाली वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और जब भी जयपुर आओ तो इस प्लेस पे जरूर आना अगर आप एक साइंस स्टूडेंट हो तो।